हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। इससे पहले लेक्चर में हमने डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में समझ लिया था, उसका डेरिवेशन देख लिया था। आज हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हमारे क्लास 11th और नीट और जेई सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आइए फर्स्ट न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें गिवन है, कैलकुलेट द वेब लेंथ एसोसिएटेड विद 1000 kg ऑफ रॉकेट मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 km/h, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। वेवलेंथ को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या है, फिर से एक बार न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएट विद 1000 kg ऑफ रॉकेट, यानी एक 1000 kg रॉकेट मूविंग कर रहे हैं 300 km/h की वेलोसिटी से, ठीक है। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ये दी गई, तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। देखो, सबसे पहले फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर दिया क्या गया है, अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वी हमें दिया गया है 300 km, है ना, पर आर, इतना दिया गया है। लेकिन हम वेलोसिटी को किस में रखेंगे, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो जब मीटर पर सेकंड में रखेंगे तो यहाँ पर क्या इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हम रख देंगे v इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 300, है ना। अब कितने रॉकेट हैं, 1000 kg, ठीक है। ये स्पीड थी हमारी, वेलोसिटी थी, और यहाँ पर हम कर देंगे 60 × 60, अब ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। एच की वैल्यू हमें गिवन है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो वी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा फार्मूले के यूज़ करेंगे हम लोग, एच की वैल्यू कितनी है, 6.625 × 10⁻³⁴, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 300 × 1000 / 60 × 60, ठीक है। देखो नीचे वाली डिजिट ऊपर चली जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 6.625 × 10⁻³⁴ इंटू, में देखिए क्या आ जाएगा, ये 60 और ये 60 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या बच जाएगा, 300 × 1000, ठीक है। अब देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो ऊपर कितना बचेगा, और इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। लैम्डा इज इक्वल टू 6.2625 × 10⁻³⁴, और यहाँ पर देखिएगा 66 कितना हो जाएगा, 36, और यहाँ पर हो जाएगा 3, और ये जीरो को लिख सकते हैं 10³, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करो तो 12 आ जाएगा। तो देखिएगा अब लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.625 × 10⁻³⁴, और नीचे वाला जाएगा -3 हो जाएगा, और × 12 हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। अब देखिएगा तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.625 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, तो 10⁻³ कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा, 437, माइनस का 37 हो जाएगा, × 12 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करके लाओगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 7.95 × 10⁻³⁹ और मीटर में। तो ये रहा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, अ मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज़ 4.55 × 10⁻²⁵ जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट इट्स वेब लेंथ, जहाँ पे हमें एम की वैल्यू 9.1 × 10³³ kg दिया गया, और एच यानी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई, ठीक है। तो देखिएगा काइनेटिक एनर्जी दी गई, तो मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, वी निकालेंगे सबसे पहले। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है, 4.55
फाइव इंटू टेन की पावर माइनस का 25 इज इक्वल टू, इधर देखिएगा m की वैल्यू कितनी गिवन है, तो 9.1 इंटू टेन की पावर माइनस 31। ठीक है, v हमें क्या करना है, निकालना है ना, v स्क्वायर क्या करना है, निकालना है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिएगा इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 2 10, 5 2 10 1 11, और 4 2 8 1 9। ठीक है, इतना आ गया इंटू टेन की पावर माइनस का 25 इक्वल टू, अब देखो 9.1 इंटू टेन की पावर माइनस 31 इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम वी स्क्वायर निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम वी स्क्वायर निकालेंगे। देखिएगा अब ये देखो 91 से 91 ये कैंसिलेट हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 10 की पावर माइनस 25, और ये जो इधर आएगा अपॉन में आएगा भाई, अपॉन से ऊपर जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस प्लस का 31 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, हो गया। अब देखो अब यहाँ पर पावर लेस कर लेते हैं, ठीक है, तो पावर यहाँ पर लेस कर लेते हैं, कितना बचेगा 10 की पावर कितना बचा 6 बचेगा। ठीक है, 10 की पावर 6 बचेगा। ओके, अब देखो अब हम यहाँ से अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो v स्क्वायर बराबर हो गया ना। अब देखो v बराबर कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब देखो हम फार्मूला लगाएंगे, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। हमें देखो v निकल आया, h फाइंड करना है वेवलेंथ, एच की वैल्यू 6.6 इंटू टेन की पावर माइनस का 34, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा m की वैल्यू 9.10 इंटू टेन की पावर माइनस कितना हो जाएगा 31 इंटू टेन की पावर 3। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो 6.6 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 34 इंटू टेन की पावर प्लस का 31 और 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा 9.1, इतना हो गया। अब देखो आगे, अब देखिएगा लैम्डा इक्वल टू 6.6 पावर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 31, यानी यहाँ पर माइनस का बचेगा 3, है ना, 3 माइनस का, और ये माइनस का 3 कितना हो जाएगा 6, 10 की पावर माइनस 6 ही तो बचेगा। ठीक है, 6 बचेगा, है ना, और नीचे क्या बचेगा 9.1, नीचे क्या बचेगा 9.1, ये 10 की पावर कितना बचा माइनस 6 और 9.1। देखो भाई इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना, तो देखो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो अप्रॉक्स आएगा 7.25 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 7.25 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, और ये मीटर में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल हुज वेवलेंथ इज 1 नैनोमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, मोमेंटम फाइंड करना है एक पार्टिकल की जिसकी वेवलेंथ 1 नैनोमीटर दी गई है। ठीक है, तो देखो फार्मूला होता है हमारा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, लैम्डा कितना दिया गया बच्चों, तो 1 नैनोमीटर दिया गया, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁹ हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। एच की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल पर सेकंड होती है, तो फार्मूला पी इक्वल टू एच अपॉन पी, सॉरी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो पी हमें क्या करना है, निकालना है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी रखेंगे 1 × 10 की पावर माइनस 9, और एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और ये आ गया पी, ये आ गया नीचे पी आ गया, पी इट मीन्स मोमेंटम। तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी को हम इधर ले आते हैं, तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 10 की पावर माइनस 9। यहाँ तक समझ में आओ, पावर को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर ऊपर ले जाओ,
6.6 इंटू 10 की पावर, अब देखो ये प्लस का था, ये प्लस माइनस का है, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 9 लिख लेते हैं। अच्छा 34 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक। अब P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू, अब 10 की पावर कितना बचा, 25 बचेगा, है ना, तो माइनस का 25, और ये यूनिट क्या आएगी इसकी, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहा आंसर, ठीक है, तो ये इसका रहा राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।